हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद बशीर अमान। आज एक और हम अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही ये हमारी सोसाइटी का एक अहम मसला भी बन चुका है इस टाइम, कि अक्सर हम देखते हैं कि रोड्स पे नौजवान लड़के, बच्चे, कम उम्र बच्चे जो होते हैं, जिनका आईडी कार्ड भी नहीं होता, वो ट्रैफिक वॉयलेंस कर रहे होते हैं और बुरी तरह बाइक्स गाड़ियां चला रहे होते हैं। तो इस कानून को आज हम देखेंगे कि ड्राइविंग के दौरान होने वाले जराइम जो है ना, कोई बंदा अगर जुर्म करता है, कौन कौन से जुर्म है, कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या सजाएं हैं, ये आज हम इस अपने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अक्सर लोग इसमें दो तरह की बात होती है कि एक तो जिसको उन्होंने ड्राइविंग टक्कर मार दी और वो किसी को कुचल दिया, वो मर गया, एक तो ये हो गया कि किसी बंदे की डेथ कॉज होगी। दूसरा ये कि अगर कोई किसी की इंजरी कॉज हुई है तो उसमें क्या होगा, डेथ कॉज हुई है उसमें क्या होगा, इस पे कौन कौन से सेक्शन लागू होते हैं। और उसके बाद अगर कोई रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है, किसी को हिट किए बगैर इस तरह की नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है, तो उसमें क्या होगा। तो आज की वीडियो में हम ये इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 279 है कि जब कोई रैश ड्राइविंग करे, तो मतलब आप रोड पे देखते हैं अक्सर लोग वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं या कटिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे को, और रैशली ड्राइविंग कर रहे होते हैं, नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो आप उसी टाइम 15 पे कॉल कर सकते हैं। और सेक्शन 279 पीपीसी का है, उसके तहत उस बंदे को 2 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि किसी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो जैसा अमल कर रहा है या जैसी ड्राइविंग कर रहा है, उसको उसमें वो अप्रिहेंशन है कि वो किसी को कुचल देगा या किसी को मार देगा, तो ये एक आप 15 पे उसी टाइम कंप्लेन कर सकते हैं कि ये बंदा है और ये गाड़ी का नंबर है और ये इस रैश ड्राइविंग कर रहा था, और उसके बाद उसके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है, उसके खिलाफ 2 साल का उसको सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। अब अक्सर हम सुनते हैं लोगों से कि स्पीड स्पीड मैटर नहीं करती, रैश ड्राइवर नेगलिजेंट ड्राइवर। अक्सर जो बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, उसको उनका ब्रेक जो होती है वो इतनी होती है कि वो फौरन से काबू पा ले जाती है। अब इसमें स्पीड मैटर नहीं करती, बल्कि अब देखते हैं कि गाड़ी अगर कोई नेग्लिजेंटली, कोई रैशली ड्राइविंग कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, या कुछ भी कोई गलत काम कर रहा है ड्यूरिंग ड्राइविंग, या किसी ने ड्रिंक किया हुआ ड्राइविंग के दौरान, तो वो अगर ड्राइविंग कर रहा है तो ये एक कानूनी जुर्म है जिसकी 2 साल तक सजा हो सकती है। अब देखते हैं कि बंदा अगर नीचे दे दे तो क्या होगा। अक्सर हम देखते हैं कि लोग कुचल देते हैं, अक्सर ड्राइवर्स, हम बसेस ड्राइवर्स को देखते हैं, वैगन्स वालों को देखते हैं, ट्रक्स अक्सर हम देखते हैं कि वो रोड पे एक दूसरे से उन्होंने रेसेस बकायदा लगाई हुई होती हैं, और उस दौरान वो लोगों को कुचल देते हैं, और फिर बाद में उस चीज को बड़ा खुश भी होते हैं कि इस ड्राइवर ने इतने बंदे मारे हुए, इसने इतने मारे हुए। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है कि अगर कोई बंदा, पहले तो एक दो तरह के बंदे हो गए, एक लाइसेंस वाला, एक विदाउट लाइसेंस। अब जिसके पास लाइसेंस है उसने किसी बंदे को कुचल के कत्ल कर दिया, तो उसकी सजा क्या होगा, ये फॉल करता है सेक्शन 320 कत्ले खताम है। अगर कत्ले खताम है ये फॉल करता है, मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, जान चली जाएगी, तो फिर उस मामले में उस बंदे की 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन ये अगर उसका लाइसेंस हुआ है, उसने अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे लिए हुए हैं, ड्राइविंग टेस्ट दिया हुआ है, और प्रॉपरली अपनी ड्राइविंग शो की हुई है कि वो ठीक है, तो फिर 10 साल की सजा तो है कानून में, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है, बेल इजीली इसकी हो जाती है। तो अक्सर जब इस कानून को हम देखते हैं कि बेलेबल को नॉन बेलेबल में कन्वर्ट करने के लिए कोई अगर ऐसा कोई बिल पेश किया जाए, तो ये ट्रांसपोर्टर जो है ये इसके खिलाफ हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अक्सर कत्ले का काम है, तो ये फिर बेलेबल ऑफेंस है, आराम से बंदा जो है वो बाहर आ जाता है। और अक्सर लोग होते हैं कि वो माफ कर देते हैं, ठीक है ड्राइविंग के दौरान और उनका लाइसेंस भी बना हुआ तो वो तो माफ कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को माफ तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज वो आपको कुचल रहा है, आपके बंदे को कुचल रहा है, तो कल किसी और को भी वो इसी तरह नीचे दे सकता है। तो ये इसकी सेक्शन 320 में आता है, और 10 साल तक की सजा है, और तकरीबन 7 फाइन भी हो सकता है। ये वो है जिसके पास लाइसेंस था। अब जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसके खिलाफ क्या सजा होगी और उसको क्या सजा दी जाएगी। तो सेक्शन 322 पाकिस्तान पीनल कोड का इसको डील करता है। उसमें यह है कि सेक्शन 322 बेसिकली उसमें यह है कि कोई भी इलीगल काम करना, लेकिन इस इंटेंशन से कर रहा है कि वो इससे किसी को नुकसान ना पहुंचाने की इंटेंशन से कर रहा है, लेकिन वो अगर किसी को नुकसान पहुंच जाता है तो इसकी सजा क्या होगी। मतलब कोई अगर एक बच्चा है, या कोई 18 साल से कम है, या 18 साल से ऊपर भी है लेकिन उसका लाइसेंस नहीं बना हुआ,
तो इस मामले में क्या होगा, उसमें ये देखते हैं कि जब कोई इस तरह का इलीगल काम करता है और इंटेंशन उसकी ये होती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और किसी को कुचल देता है और उसका लाइसेंस भी नहीं बना होता, तो इस मामले में ये है कि उस पे दियत उसको देनी पड़ेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि सेक्शन 323 में दियत की अमाउंट दी गई है, दियत की अमाउंट तकरीबन 30,630 ग्राम जो चांदी का है वो होती, उसके मुताबिक ये दियत की रकम है। हर साल 1 जुलाई को ये चेंज भी होती रहती है और बढ़ती जाती है, लेकिन आजकल जो ये अमाउंट अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 23,20,206 रुपये बनती है जो दियत की अमाउंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी को कोई इंसान जिसके पास लाइसेंस है या लाइसेंस नहीं है वो किसी को कुचल देता है, किसी को वो उससे उसकी मौत वाकई नहीं होती बल्कि एक हर्ट होता है, यानी कि उसको जख्मी हो जाता है, वो इसको इंजरी आ जाती है, तो इस मामले में सेक्शन दफा 337G पाकिस्तान पीनल कोड का इस पे लगेगा। जब आप रैश ड्राइविंग करते हुए किसी को नीचे दे देते हैं या ड्यूरिंग ड्राइविंग आप किसी को यूं इंजरी कॉज कर देते हैं, तो इस मामले में जो सजा होगी वो अर्श और दमन है। अर्श बेसिकली वो है कि अगर किसी को मेजर कोई इंजरी आ गई हो, यानी कि बोन एक्सपोज हो गई हो, बोन टूट गई हो, तो ये इस मामले में अर्श आती है जिस जो कि उस जख्म के लिहाज से उस पर वो फाइन बनेगा। और दमन जो है वो अगर माइनर इंजरी कोई होती है या किसी को कोई मामूली सी चोट आती है तो उसका जो इलाज का खर्चा है ये सारा कुछ दमन में आता है, तो ये सजा अर्श और दमन होगी। इसके साथ साथ ताजीर की सजा जो है वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ताजीर की सजा है, अगर आप किसी को ड्यूरिंग ड्राइविंग आप किसी को इंजरी कॉज कर देते हो, तो वो तकरीबन 5 साल की सजा हो सकती है आपको। तो ये कुछ लॉज हैं जो ड्राइविंग के दौरान आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से लॉज हैं ड्राइविंग को लेके। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।